चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज आप इसे जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों सुंदर आँखें खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। आँखों की खूबसूरती कौन बढ़ाता है दोस्तों? आईब्रो एंड पलकें। घनी आईब्रो और घनी पलकें आपकी आँखों में चार चांद लगा देती हैं, आपकी आँखों को उतना ही सुंदर दिखा देती हैं ये पलकें और आईब्रो। तो दोस्तों आजकल ट्रेंड पे भी है कि मोटी पलकें और मोटी आईब्रो, यानी कि घनी पलकें और मोटी आईब्रो सभी को पसंद है, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी, ऐसा नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे से आप अपनी आईब्रो और पलकों को घना मोटा बना सकते हैं, साथ ही साथ काला बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप पहली बार जुड़े हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आईब्रो और पलकों को मोटा करने के लिए, घना करने के लिए हम सबसे पहली सामग्री क्या लेंगे, वो है दोस्तों ये आंवला तेल। आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा और आप सभी लोग जानते हैं कि ये आंवले का तेल गुणों का भंडार होता है इसमें तेल में। दोस्तों अब हम आपको बता दें, अगर आपके पास में आंवले का तेल नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैस्टर ऑयल भी नहीं है तो आप सिंपल सा नारियल का तेल ले लीजिए। ये देखिए इन तीनों तेलों में से आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आपके पास में है। ऐसा नहीं है कि मैंने नुस्खा बता दिया और फिर आप मार्केट में दौड़ें तुरंत, नहीं, ये चीज़ें तो सभी के घर में होती है ना, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी आंवला तेल, तो मैं करीबन एक चम्मच इसमें आंवला का तेल ले लूँगी एक कटोरी में। दोस्तों आंवले के तेल में होता है क्या, विटामिन सी, मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये तेल सिर्फ आपके जो आईब्रो है, जो पलके हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाएगा, साथ ही साथ घना करेगा, साथ ही साथ चमकदार और मजबूत बनाएगा। यानी कहने का मतलब है बहुत से लोगों की पलकें झड़ने लगती हैं ना, तो वो सब नहीं होगा, आपकी पलकें मतलब मोटी होंगी, घनी होंगी और काली होंगी। अब दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिया है वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप चाहें तो एलोवेरा जेल किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल लिया है और अब इन दोनों चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। अगर आपके पास में ताज़ा एलोवेरा है तो अगर आप उसको डालेंगे तो आपको ये नुस्खा रोज़ तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से बना करके इसको रखेंगे एक साथ बना लीजिए, ये एक महीने तक आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसको बना लेंगे, स्टोर कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो आपको मैं बताती हूँ इस तरीके से आप इसको बनाइएगा इस क्रीम को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तो बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। दोस्तों एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी और ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये हेल्दी सेल्स को ग्रोथ करने में प्रमोट करता है और साथ ही साथ इसमें मौजूद विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड बालों को गिरने से रोकता है, यानी कि झड़ने से रोकता है, साथ ही साथ आपके ब्लड के संचार को ये तेज करता है। और अब मैं आपको बता दूं इस क्रीम को जब आप यूज करेंगे अपनी पलकों में तो ये आपकी पलकों को लंबा करेगा, साथ ही साथ ये जेल आपकी जो आईब्रो है उनको घना और मोटा और काला बनाएगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से क्रीम को बना करके आप रख लीजिए एक डिब्बी में, आप इसको रख लीजिए, ये आराम से आप इसको एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस क्रीम को लगाएंगे अपनी पलकों में, आपको लगाना कैसे है, आप बस मात्र इतनी सी क्रीम लीजिएगा और अपनी पलकों में करिएगा मसाज। मसाज आपको कितनी देर करना है दोस्तों? 5 मिनट। 5 मिनट आप इस तरीके से आईब्रो पर मसाज करिए, फिर इस तरीके से कर दीजिए। इससे होगा ये कि जो ये जेल है ये आपकी पलकों की जड़ों में जाएगा
पलकों की जो बाल होते हैं उनकी जड़ों में जाएगा और साथ ही साथ जो आईब्रो है उनकी बाल की जड़ों में जाएगा, जिससे होगा ये कि आपके आईब्रो का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, आपकी आईब्रो घनी काली मोटी हो जाएंगी और साथ ही साथ आपकी जो पलकें हैं वो लंबी काली और घनी हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से इस क्रीम को बनाइएगा और इस क्रीम को आप रात भर के लिए इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए, पलकों में और आईब्रो में आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह आप इसे साफ़ कर लीजिए। आप इस तरीके से लगातार लगातार आप एक महीने तक करेंगे तो आप देखना आपकी पलकें और आपकी आईब्रो घनी मुलायम चमकीली और काली हो जाएंगी और आपकी जो पलकें हैं वो लंबी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्रीम को बना करके डिब्बी में भर कर आप रख लीजिए, ये एक महीने तक आराम से चल जाएगा। रोज़ रोज़ का झंझट नहीं है, एक बार तैयार कीजिए और इसको आप लगाइएगा। दोस्तों आप देखना आप जैसी जो ट्रेंड पे आजकल चल रही ना आईब्रो, उसी टाइप की आपकी आईब्रो और पलकें घनी और मोटी हो जाएंगी। दोस्तों जब आप इस नुस्खे को यूज करेंगे, इसको लगाएंगे एक महीने तक लगातार, रिजल्ट आपको 8 दिन में ही दिख जाएगा इसका, इस नुस्खे का। लेकिन आप इसको एक महीने तक लगाइएगा तब आपको मन मुताबिक आईब्रो और पलकें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नए वीडियो नए नुस्खे, तब तक के लिए नमस्कार।